दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना का ऐलान कर दिया है, सीखो और कमाओ योजना। यानी कि आप पहले सीखेंगे और फिर कमाएंगे। ऐसा कैसे दोस्तों? इस योजना के तहत 8,000 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 12वीं पास या आईटीआई कर चुके व्यक्ति जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, क्या ये योजना है, सारी ही बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम साहिल, आप देख रहे हैं बीविस्टर। आगे बढ़ने से पहले डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स चल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। देश के सभी राज्यों की योजनाएं, आप चाहे मध्य प्रदेश से हो या झारखंड से हो, दिल्ली से हो, सारे राज्यों की योजनाएं आपको चल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और आप वहां जाकर सारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये है वो ऑफिशियल पोर्टल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी समझ लेनी है। ये विद्यार्थियों के लिए है और ये कंपनियों के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पास एक समग्र आईडी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जैसे ही अप्लाई करना है, यहाँ पर सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में ही बताऊँगा। सबसे पहले एज 18 से 29 के बीच में और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 12वीं पास या आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण कोर्सेज, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण कोर्सेज मिल जाएंगे। यानी कि ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है सारे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप जो भी अप्लाई करना चाहे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले बैंक जाइए। बैंक जाने के बाद यहाँ पर आपको दिया गया है किस तरीके से अप्लाई करना है उसकी पूरी बुक, यानी कि यहां पर आपको क्लिक करना है और फिर आप पहुंच जाएंगे स्क्रीन पर। अब यहां पर पहुंचने के बाद देखिए दोस्तों, यहां पर सारी बातें बताई गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया एज, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, यहां पर सब मिल जाएगा आपको। कुछ भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, इस पोर्टल पर जैसे ही आप आएंगे, आपको सबसे पहले जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट है, वो सब देखने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। फिर यहाँ आपको अपनी समग्र आईडी डाल देनी है, कैप्चा डाल देना है और उसके बाद यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद एसएमएस आएगा, ओटीपी, ये सारी बेसिक डिटेल्स डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको सत्यापित कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा जिस पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु, ये जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी फिल कर देनी है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर जैसे आप कर देंगे, ओटीपी फिर से आएगा, आपको ओटीपी डालना है और ईमेल आईडी, ये सब डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद ईमेल आईडी सबमिट कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे ही आपका बन गया, आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी जो भी सारी डिटेल्स है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको अपनी योग्यता, आपका कोर्स कौन सा होगा, स्ट्रीम कौन सी है, यहाँ पर विशेषता, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। डॉक्यूमेंट्स कहाँ अटैच करने हैं वो ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको 12th का या जो भी आईटीआई है, आपको यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको डिप्लोमा, 12th, ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है राज्य का नाम, यहाँ पर जिला का नाम, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। और उसके बाद अगर आप कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर आपको एक्सपीरियंस जैसे यहाँ पर लिखा है, और उसको आगे सेव सबमिट करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है जो है अप्लाई करने का। अब यहाँ आपको वापस मैं बता देता हूँ ये करना कहाँ से है। ये अभियायी पंजीकरण दे रखा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वही चीजें सारी आ गई हैं। वो एक आपको मैंने बुक दिखाई थी, एक्चुअल में यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक पर दिया गया है अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आईडी डालनी है, कैप्चा डालना है और सत्यापित करना है। और ये प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी सारा बता ही चुका हूँ कि आपको कैसे कैसे इस पर फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।